हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी टी यू पी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो आ नहीं पा रही थी, अब दोस्तों आपको कंटिन्यू डेली टू डेली एक वीडियो जरूर से जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये जो मैं चैप्टर इसमें बताने वाला हूँ, ऊष्मा संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट से दोस्तों एकाक दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड दोस्तों, वो चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका दोस्तों काउंसलिंग की प्रोसेस हो, कैसे एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज चूजना आपको ज़्यादा पसंद होगा, कैसे ट्रेड को चुना जाए, इस सभी का वीडियो दोस्तों आपको समय के अनुसार आपको प्रोवाइड कराया जाएगी। ठीक है, तो आप अगर आप हमारे और भी वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि मैंने पहले ही बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आप एंट्रेंस एग्जाम में गेन कर सके। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऊष्मा संचरण से। उससे पहले आपको बता दें कि एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हुआ हूं, जो भी फ्रेंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं। तो जो भी हमारे फ्रेंड हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट आप जरूर करिएगा, आंसर बताने का जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा जो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ, वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है। ठीक है, तो कमरे का जो वायु होगा, एक कमरा है उसमें बंद, एक बंद कमरा है। ठीक है, उसमें एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, तो जो हमारा कमरे का वायु होगा तो वो क्या कैसा होगा? ऑप्शन एक है आपका, वायु जो होगा ठंडा हो जाएगा, गर्म होती है, अपना तापमान बनाए रखती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आप कमेंट करके आंसर आप बताइएगा। ठीक है, जो भी हमारे फ्रेंड कमेंट करके बताएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊष्मा संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जो कि दोस्तों हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्यों? जो दोस्तों जो हमारी दोपहर के समय सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो सीधी पड़ती हैं, वो अधिक गर्मी क्यों होता है उसमें? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है और भी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे उसका अवशोषक कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका सूर्य चमकदार होता है, चौथा है किरणें तेजी से आती हैं। ठीक है, किरणें तेजी से आती हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा, किस कारण से जो आपका जो सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक होती है, तो इसका जो कारण है वो है वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। जब वो किरणें जब सीधी हो जाती हैं तो जो वायुमंडल में उसकी दूरी होती है किरणों की कम हो जाती है, जिसके कारण उसका अवशोषक कम हो जाता है और इस कारण जो गर्मी होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरणों की वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए उसका अवशोषक कम हो जाता है और इसलिए जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उसमें गर्मी अधिक होती है। ठीक है, अगले सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता कितनी होती है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 5-6 बार हर बार लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोषक क्षमता कितनी होती है, ऐसे भी पूछ सकता है, या तो पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता कितनी होती है, ऐसे भी किसी घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछ सकता है। तो आप एक ये याद रखिएगा, जो हमारा आदर्श कृष्ण पिंड होता है उसकी जो अवशोषकता होती है वो कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर भी एक ही होगा, जो कि पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर देखिएगा और थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, जिससे आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, ठीक है, तो हमारा जो चाय बनाने में ऊर्जा का संवहन किस प्रकार होता है, संचरण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पहला विक्रय द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा संवहन द्वारा, चौथा सभी में, ठीक है। तो हमारा जो चाय बनाने में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। संवहन द्वारा जो होता है वो ऊर्जा का संचरण होता है उसमें, ठीक है। तो अब तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संवहन द्वारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है, तो दोस्तों उष्मा सबसे तेजी से किस में संचरित होती है। ऑप्शन एक है आपका संवहन, विकिरण, चालन और सभी में, ठीक है। तो उष्मा जो हमारा सबसे तेज संचरित होती है किस में, विकिरण में, किस में दोस्तों, विकिरण में सबसे तेज हमारा संचरित होती है उष्मा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विकिरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों टॉप 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों बहुत बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग हर बार दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे उत्सर्जित उष्मीय विकिरण की दर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा विकिरण की दर होता है दोस्तों वो हमारा परम ताप के क्या होता है, क्यूब होता है। तो जो हमारा विकिरण की दर, जो हमारा उष्मीय विकिरण की दर होता है वो दोस्तों परम ताप हमारे टी के 3 घात के बराबर होता है, ठीक है। तो 3, इसमें आपका कितना दिया है, 3 गुना, तो 3 का आप यहाँ पे क्यूब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 का आप क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 × 3 = 9 और कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 3 पे पावर 4 होता है दोस्तों, टी पे पावर कितना होता है, 4 होता है। जो हमारा उष्मीय विकिरण की दर होता है वो कितना होता है दोस्तों, टी पे पावर 4 होता है। तो यहाँ पे आपका टी दोस्तों 3 गुना यहाँ पे दिया हुआ है परम ताप आपका, तो 3 पे घाते यहाँ पे आप 4 कर देंगे, ठीक है, 3 बार 4 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 81 आ गया आपका, 81। तो दोस्तों ये आपका जो इस विकिरण की दर कितनी हो जाएगी, 81 गुना आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 81 गुना, जो आपका परम ताप अगर 3 गुना कर देंगे तो उसकी विकिरण की दर जो हो जाएगी वो 81 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परम ताप अगर 2 गुना कर दे, ठीक है, कोई वस्तु है उसका अगर परम ताप को 2 गुना कर दे तो उसकी जो उसमें उत्सर्जित उष्मा की दर कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो उत्सर्जित विकिरण E बराबर क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जित विकिरण E बराबर आपको T पे पावर 4, ये फार्मूला होता है दोस्तों किसका, उष्मी उत्सर्जित उष्मा विकिरण का, ठीक है, ठीक है, किसका, उत्सर्जित विकिरण का आपका फार्मूला होता है E = T पे पावर 4। अगर दोस्तों यही आपको 2 गुना कर दें तो टी की वैल्यू यहाँ पे 2 गुना कर दें तो E = क्या हो जाएगा आपका, 2 पे पावर 4, ठीक है। 2 पे, अब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 गुना आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला आपका ए आपका आंसर हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, E = T पे पावर 4, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा किसका दोस्तों, उत्सर्जित विकिरण का यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विकिरण उष्मीय विकिरण की चाल होती है, ठीक है, जो हमारा उष्मीय विकिरण होता है उसकी चाल होती है किसके, कैसे, मतलब उसकी चाल कैसी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के आधे के बराबर, ध्वनि की चाल के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारा उष्मीय विकिरण की चाल होती है दोस्तों वो होती है प्रकाश की चाल के बराबर, ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर, जो हमारी उष्मीय विकिरण की, जो हमारी उष्मीय विकिरण की चाल होती है वो हमारे प्रकाश के चाल के बराबर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो किसके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ये किस कारण पहुंचती है आपको मैंने बताया था, ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, तो किस कारण पहुंचती है, वो आपको बताया थे विकिरण द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका विकिरण द्वारा ही होगा, जो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। ठीक है, अगर किसी द्रव है उसको तुरंत ही ठंडा करना हो, जस्ट ठंडा करना हो, तो उसके लिए शीतलन व्यवस्था कहाँ लगानी होगी। ऑप्शन एक है मध्य में, शीर्ष पे, थर्ड है कहीं भी, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे, शीर्ष पे। ठीक है, अगर कोई भी हो दोस्तों, अगर कोई भी द्रव हो उसको अगर तुरंत ठंडा करना हो, तो द्रव का ऊपरी सतह का दोस्तों जो ताप होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, द्रव जब भी आप देखेंगे जो उसका ऊपरी सतह होगा उसका ताप सबसे अधिक होगा, और दोस्तों ऊपरी सतह का जो शीतलन होगा वो सबसे अधिक होगा। इसलिए जो हमारा जो द्रव का शीतलन व्यवस्था लगाना चाहिए वो सदैव द्रव के ऊपरी सतह पे ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शीर्ष पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की उत्सर्जकता ई है तो उसकी अवशोषकता कितनी होगी। ठीक है, तो पिंड की जो उस अवशोषकता होती है वो कितनी होती है, ई होती है। कितना दोस्तों, इसका आपका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ई आपका आंसर हो जाएगा, इसकी जो अवशोषकता होगी वो ई होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके एक ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और भी दोस्तों अब आपको लगातार ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।